बल्लभगढ़ में मिलावटी देसी घी का कारोबार जोर पकड़ रहा है। ऊपर से उत्पादकों का दावा होता है कि नकली सिद्ध करने पर उचित दाम भी दिए जाएंगे। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने आज छापेमारी की, जिसमें रमेशा डेयरी और गोपाल जी डेयरी से सैंपल लिए गए हैं और उन्हें प्रयोगशाला भेजा गया है। दिखाई दे रहा यह नज़ारा बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक के पास रमेशा की दुकान का है, जहां पर आज मुख्यमंत्री उड़न तश्तरी टीम छापा मारने पहुंची। दरअसल बल्लभगढ़ में असली देसी घी के नाम पर नकली और मिलावटी घी का कारोबार जोरों पर था। लगातार इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक की जा रही थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने रमेशा डेयरी पर छापेमारी की। छापेमारी का नेतृत्व CM फाइलिंग दस्ते के इंस्पेक्टर जसवीर कर रहे थे। दोनों दुकानें एक ही मालिक की थीं। दुकानदार ने जब CM फाइलिंग के कर्मचारी से बदतमीजी की तो मौके पर सिटी थाना पुलिस के कर्मचारी और दमकल तथा GST विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर सचिन शर्मा के अनुसार उन्हें यह शिकायत मिली थी कि दुकान पर नकली और मिलावटी घी बनाया जा रहा है। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस तो है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बन रहे पैक्ड और अनपैक्ड घी के नमूने भर लिए हैं। इन नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। मेरे पास CM फ्लाइंग की तरफ से कांटेक्ट किया गया था और उनके पास कोई गुप्त सूचना थी कि यहाँ पर मिलावटी घी बनाया जा रहा है, तो उसका निरीक्षण करने के लिए और उसकी सैंपलिंग करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। सैंपलिंग हो गई है? हाँ जी, सैंपलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। लोग यहाँ पर आते हैं, घी मांगते हैं और घी के नाम पर उन्हें थैली उठा करके देखे जाते हैं, क्या लगता है लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? बाजार का मैं समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं, जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं हम वहाँ जाते हैं। लेकिन अगर हम इस दुकान पर्टिकुलर दुकान के बारे में बात करें तो इन्होंने देखो जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और जगह जगह यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटेक्सफाइड एडिबल फैट। तो ये अगर कोई मांगता है इस तरह की, हमारे पास कोई कंप्लेंट आई नहीं है कि भाई हमने इनसे देसी घी मांगा था और इन्होंने हमसे ये वाला घी दिया है। लगभग एक घंटे से आप इस दुकान पर कार्रवाई कर रहे हैं, आपके सामने कई ग्राहक आए, उन्होंने कहा कि घी दे दो और यहाँ से दिया गया। अब मेरे क्या लगता है, लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं है, अब टैक्स ये लिखा हुआ है, एनिमल फैट्स लिखा हुआ है, इसकी जानकारी क्या लोगों को मिली? ये वेजिटेबल ऑयल से बना रहे हैं घी और डब्बा जो इनका पैकिंग किया हुआ है वो पैकिंग पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस वेजिटेबल ऑयल को मिला के घी बना रहे हैं। और जहाँ तक ग्राहकों का सवाल है, जब तक मैं इस दुकान में मौजूद हूँ अभी भी और जितने भी ग्राहक आए हैं, तो इन्होंने उनको बताया है कि ये इंटरेस्टिफाइड फैट है, ये देसी घी नहीं है। और जो ग्राहक की समझ है, अगर उनको लगता है कि ये ठीक है तो वो लेते हैं, अदरवाइज वो नहीं लेते हैं। तो सब सैंपल भरे जाते हैं, सैंपल की कार्रवाई की जाती है, क्या लगता है खाना पूर्ति नहीं है? क्योंकि इसके जो सैंपल के जो रिजल्ट हैं वो तो पता ही नहीं चल पाते किसी को कि क्या हुआ, फेल है पास है, अभी तक किसी के जो है फेल भी नहीं हुए। नहीं ऐसा है, आप ये आपको थोड़ी सी सूचना में कमी है, फेल नहीं हुए का आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास अभी भी लगभग 80 के करीब मामले ADC कोर्ट में चल रहे हैं और लगभग मैं आप बता रहा हूँ मोटा मोटा फिगर, लगभग 20 के आसपास CGM कोर्ट में मामले चल रहे हैं। सर, जानकारी के मुताबिक मैं बता दूँ कि बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर भी छापेमारी की गई थी, सैंपल भरे गए थे, अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। और रही बात दुकान पे, वो दुकान आज भी नहीं, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में आकर जानकारी ले सकते हैं, किसी के लिए कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर दुकान के लिए जानकारी चाहिए, उसका सैंपल अगर पास आया है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनेगी, अगर उसका फेल आया होगा तो ADC या फिर CGM कोर्ट में उसका केस लॉन्च हो चुका है। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं 120 रुपए किलो में घी मिल सकता है? ये तो डालडा नहीं है 120 में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इसको घी के साथ कंफ्यूज ना करें। पहली चीज, घी नहीं है ये इंटरेस्टिफाइड एडिबल फैट है। वनस्पति को भी हम घी नहीं बोल सकते। लोगों की बहुत ज़्यादा ये जो मिसकंसेप्शन रहते हैं कि वनस्पति को घी बोलते हैं, वनस्पति को भी हम घी कभी कंसीडर नहीं करते। आप कभी अगर हमारे साथ सैंपलिंग पे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जब सैंपलिंग करते हैं वनस्पति घी कभी नहीं लिखते, हम उसमें हमेशा वनस्पति ही लिखते हैं। फिलहाल इस दुकान की कार्रवाई की बात करें तो क्या कार्रवाई है दुकान पर? कार्रवाई हमने इनका इंस्पेक्शन किया है, जितनी क्वांटिटी थी वो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दी है और हमने इनके सैंपल ले लिए हैं। अब जो आगे की कार्रवाई है रिपोर्ट आने के बाद। कितनी क्वांटिटी और साफ सफाई की बात करें तो वो कैसी है? साफ सफाई के लिए हमें निर्देश दे दिए गए हैं और क्वांटिटी इन्होंने एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस भी है इनके पास और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है वही प्रोडक्ट ये बना रहे हैं यहाँ पे।